अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो आज हम जा रहे हैं मोहम्मद अली रोड, मेरी सिस्टर की शादी है दिस मंथ एंड, तो बहुत सारी तैयारी बाकी है, मतलब इनफैक्ट कुछ भी तैयार किया ही नहीं है मैंने। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इरफान को भी छुट्टी है और वो भी थोड़ा फ्री है, तो हम दोनों क्यों ना वहाँ जाके थोड़ा शॉपिंग कर लें, बिकॉज बॉम्बे में अगर आपको सबसे अच्छा कुछ वेराइटीज़ मिलती है तो वो मोहम्मद अली रोड और क्रॉफर्ड मार्केट में है। सो बोथ आर डिफरेंट, सेम नहीं है। मंगलदास भी जाना था बट वो आज संडे है तो वो बंद रहता है, मोटा मार्केट जिसे बोलते हैं। तो मैं शायद नाकुदा से ही शॉपिंग करूँगी थोड़ा बहुत, अभी डिसाइड नहीं है कि क्या क्या लेना है, बहुत सारे घर की चीज़ें भी लेनी है मुझे, तो थोड़े ही देर में निकलेंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कि ट्रेन से जाए बट फिर लास्ट मोमेंट पे इरफान ने बोला कि सामान वगैरह बहुत रहेगा और आते आते लेट हो जाएगा, तो बाइक पे ही चलते हैं। तो ये मेरी सिस्टर है जो वीडियो कॉल पे, उसको जाना है मेरे साथ, और मैं यहाँ पे है इरफान। तो तुमको क्या लेना है वहाँ से? एक जोड़ा कुर्ता लेना, व्हाइट कलर। हैदराबाद से नहीं लिए थे? व्हाइट कलर का नहीं मिला, वहाँ मिला एक, देखे टाइम नहीं हुआ। ओके, तो तुम मोहम्मद अली रोड से लोगे वही? हाँ वैसे। डांस प्रैक्टिस कब करना है? डांस प्रैक्टिस भी करना है, कभी भी आ जाओ, इवनिंग को फ्री रहता हो डांस प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये वीक में करते हैं। हाँ पक्का, मिलती हूँ मैं आपसे अभी मोहम्मद अली रोड पे। अभी तो कॉफी पीते हैं। कॉफी? कॉफी, चाय, कॉफी कुछ पीते हैं। और सैंडविच खाओगे या क्या खाओगे? खा सकते हैं या बेकरी आइटम्स भी कुछ खा सकते हैं। कॉफ़ी ले लीजिए और दो चिकन पफ्स। ठीक है, आप इतना ले लीजिए। तो कॉफी दो, चिकन दो। हाँ, सो गाइस, इनका जो ये सेसेनियन रेस्टोरेंट है, दिस वॉज स्टार्टेड बाय सम पारसी फैमिली और 1913 से ये है। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पारसी रेस्टोरेंट्स। तो हम हमेशा यहाँ पे आते हैं तो चिकन फारचा या फिर चिकन बिरयानी इनका जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, सो यम। तो आज तो हमें स्नैक्स खाना था बिकॉज बाइक वॉज नॉट अ गुड ऑप्शन, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत थक गई हूँ मैं। तो आई डोंट नो अभी कैसे पूरा जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो ये है इनका चिकन पफ। ओके, ये टार्ट है, बेसिकली ये टार्ट है, इसके ऊपर वो पेस्ट्री का पफ जो होता है ना वो डाला हुआ है। देयर इज स्टफिंग इनसाइड। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे बताया है बिकॉज मैं ऐसा नहीं खाती हूँ, आई जस्ट टेक अ बाइट लाइक दिस ऐसे। स्टफिंग जो है बहुत लाइट है, इनका खाना ही एक्चुअली बहुत लाइट होता है। इरफान और मेरा सबसे, वी लव दिस रेस्टोरेंट ना, व्हाट डू यू लव द मोस्ट? और अभी बेस्ट, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज नाइस। बिरयानी इज गुड, चिकन, दाल भात, क्या बोलते हो पारसी लोग का रहता है, धनसाक, धनसाक दाल इज वेरी, धनसाक इज आल्सो नाइस। तो ये रहा हमारा कॉफी। तो इनकी कॉफ़ी जो है ना सीरियसली बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज आई कैन स्मेल द फ्लेवर ऑफ दैट कॉफ़ी बीन्स। उसके बाद हमने ऑर्डर किया मावा केक। इनका मावा केक जो है पारसी स्टाइल बनता है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम। मैंने कॉफ़ी में डिप किया एंड आई वॉज आउट ऑफ द हेवन, बहुत ही अच्छा लगता है उसका, हर एक चीज़ इनफैक्ट सैसेनियन की अच्छी है। उसके बाद हम गए क्रॉफर्ड मार्केट। तो क्रॉफर्ड से मैं हमेशा ही कॉफ़ी बॉटल्स या फिर सॉस, मेयोनीज, हनी, ये सब चीज़ मुझे सिर्फ चॉकलेट ट्रेडर्स की ही पसंद है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शॉप इन क्रॉफर्ड मार्केट, बिकॉज वहाँ पे इतने सारे शॉप्स है कि आपको पता नहीं चलता है कि आप कहाँ से क्या लें। तो मैंने इतना शॉपिंग कर लिया है क्रॉफर्ड से, तो मैंने फिर एक सेग्रीगेट कर लिया कि ठीक है ये चीज़ मुझे यहीं से लेनी है, और इनका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। ये सब इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है, आपने ये देखा डेविडॉफ का जो कॉफ़ी है ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसका फ्लेवर, इसका अरोमा इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप नींद में हो और एक कॉफ़ी पी लिया तो बस आपका काम बन गया। देन मैंने फर्स्ट टाइम तहीनी लिया है, तहीनी में हमेशा होममेड बनाती हूँ बट चूँकि ये
अभी शादी का मेरा घर में बहुत सारा चीज़ चल रहा है और मेरे पास उतना वक्त नहीं है, तो मैंने ये तहिनी पेस्ट ले लिया। देन न्यूटेला, न्यूटेला मैंने जो लिया ना वो इरफान के लिए लिया, क्योंकि उसको चॉकलेट इतनी पसंद है। मैं कभी भी चॉकलेट्स रखती नहीं हूँ, क्योंकि वो जितनी भी चॉकलेट्स रखो या ड्राई फ्रूट्स रखो, इरफान पूरा चट कर जाते हैं। मैंने कहा कि आप इतना खाएंगे चॉकलेट तो वेट पुट ऑन होगा, बट ही इज़ लाइक लीस्ट बॉदर्ड कि ठीक है करके। फिर यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ चूज़ की लाइक मस्टर्ड सॉस, देन हनी ड्रेसिंग, ये सब सैलेड के लिए यूज़ होता है और बहुत। और हेलमेंट्स का जो मेयोनीज है ना, उसका कोई भी जवाब नहीं है। ये वन ऑफ द बेस्ट मेयोनीज है, आपको डीमार्ट में भी अभी अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि पहले तो ओटकर या फिर पता नहीं कौन से ब्रांड थे फन फूड्स, वो इतने अच्छे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू हेलमेंट्स का, क्योंकि हेलमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो हिंदुस्तान लीवर का ही प्रोडक्ट है एंड दे आर नाइस। कॉफ़ी बॉटल्स ले लिए, मेन तो मेरा कंसर्न था कि मैं कॉफ़ी बॉटल्स लूँ, और यहाँ पे इन्होंने मुझे दिया टेस्टिंग करने के लिए, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कहीं पे भी ऐसे ही टेस्टिंग करे और फिर चीज़ें ना ले, बट उन्होंने इतना इंसिस्ट किया कि जस्ट लॉन्च किया है ये प्रोडक्ट, मार्केट में आया है तो आप ले लो, बट मुझे आई एम नॉट अ चीज़ लवर, मुझे चीज़ इतनी पसंद नहीं है। देन हमने दूसरी दुकान चूज़ की ऑलिव्स के लिए, बिकॉज ऑलिव्स यहाँ पे चूज़ करना बड़ी ही मुश्किल वाली बात लगती है, क्योंकि बहुत सारे ऑलिव्स जो है वो बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के होते हैं। मिडल ईस्ट से ऑलिव्स आते हैं, लाइक फ्रॉम पलस्तीन, फ्रॉम जॉर्डन, फ्रॉम मॉस्को, ये सब तो आपको देख के लेना पड़ेगा कि आप क्या ले रहे हो। तो ये है क्रीम चीज़, तो क्रीम चीज़ अगेन इरफान के लिए लिया। फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे मेहमान वगैरह आने वाले थे घर पे, और यहाँ पे जो है मैंने बार्गेन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इनका फिक्स रेट था। तो काजू वगैरह जब आप ख़रीदें तो देखें कि आप वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कैशूज़ लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कैशूज़ में कीड़े वगैरह बहुत लग जाते हैं। और ये है काजू पूरी जो इरफान को पसंद है। सो वन ऑफ द क्या बोलते हैं कि मुझे शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं, आई जस्ट हेट शॉपिंग, आई जस्ट हेट। तो अभी शादी है तो मजबूरी में शॉपिंग तो करना ही है, और बहुत सारे चीज़ें भी लेनी थी मुझे, तो मैंने सोचा कि ठीक है आज निकले हैं तो सब एक साथ ही ले ले। तो मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, केसर वगैरह ये सब लिया यहाँ से। अभी डिपेंड्स कि आप कौन से शॉप से ले रहे हो, तो हर चीज़ का अलग अलग प्राइस है। ये है हॉट चिली सॉस, ये मुझे पसंद है ओनली इन नूडल्स, एंड दिस वन इज सैलेड क्रीम ड्रेसिंग। तो ये आप हैंडी रख सकते हो जब भी कोई गेस्ट वगैरह, या फिर ब्रेकफास्ट में आपको जल्दी से ब्रेड में लगाया, स्प्रेड किया एंड यू आर गुड टू गो। बाद में हम निकले क्रॉफर्ड से, बट इतना सिर्फ दुकान ही घूम रहे थे हम लोग, इतना चीज़ बाकी था ना कि बस ले ही रहे थे। ये कार्डमम है, कार्डमम वन एंड कार्डमम टू, जो हरी इलायची होती है वो दो क्वालिटी की होती है। तो जो वन वाला जो नंबर होता है ना वो ही हमेशा लीजिए, वो अराउंड आपको 4000 या 3600 पर किलो मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ कार्डमम्स ले लिए अपने लिए। अपोजिट बाजू में ही एक क्रॉकरी का ये है शॉप, ये शॉप नहीं है बस, ये लोग सिर्फ रोड पे लगाते हैं, बट इनके पास जो कलेक्शंस है उसी कलेक्शंस आप देखोगे तो आप कुछ ना कुछ तो वहाँ से लेके जाओगे। मैं हमेशा वहाँ पे जाती हूँ, कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, बट इस बार मैंने कुछ भी नहीं लिया, बिकॉज जो भी उनके पास था वो न्यू कलेक्शन नहीं थे, और मैंने रिसेंट वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी थी तो मैंने कहा कि वर्थ नहीं है। देन मैंने विस्क देखा, बट वो विस्क इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, जो कि क्रिसमस का मंथ है तो वहाँ पे इतने सारे क्रिसमस की वेराइटीज़ शॉपिंग्स के थे, लाइक जिंगल बैल्स एंड ऑल। बट आपने मेरा पहले वाला व्लॉग देखा होगा जो बैंड्रा का है, तो बैंड्रा में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे शॉपिंग किया था, बट यहाँ से मैंने एक कैप ले लिया, बिकॉज निखत को जो है वो कैप बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि ठीक है एक कैप ले लेते हैं, वो भी एंजॉय करेगी, और मुझे ये सब चीज़ें खरीदना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये इतने क्यूट है, और मेरे पैट्स जो है लाला बाला काला एंड सुलुबा, उनको भी ये सब चीज़ें अच्छी लगेगी जब मैं उनको पहनाऊंगी।
यहाँ पे मैं आई थी ब्यूटी सेंटर, जो कॉम्पैक्ट लिया था मैंने, तो कॉम्पैक्ट मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में लिया है, बिकॉज मेरी सिस्टर मेरे लिए हमेशा बाय करती है कुछ भी चीज़ें, बिकॉज आई डोंट लाइक वेस्टिंग माई टाइम इन बाइंग मेकअप प्रोडक्ट्स और एनी काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दिस. बट लिपस्टिक के अलावा आई जस्ट लव लिपस्टिक, तो मैंने कुछ लिपस्टिक खरीदे और ये लैक्मी का प्रोडक्ट है, अच्छा है, अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट लिपस्टिक मैंने यूज़ किया, इट वॉज नाइस. दूसरे कलर में नहीं है, ब्लू या मैरून में ये 3,800 रुपए का. फ्रंट बैग फुल्ली वर्क आएगा, गरारे पे भी वर्क है, दुपट्टा भी वर्क है. क्या बात है, कलर आएंगे? नहीं कलर नहीं, डिजाइन. कलर डिजाइन तो वही है. ब्लैक में चाहिए क्या? ब्लैक, आई टेक वन ब्लैक. और आपके पीछे जो है वो कैसा है? हाँ वही है, डिजाइन अलग अलग आएंगे. ये वाला, हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है. ये 250 का है, 300 का है. अभी वो ले रही हूँ तो आप इसका भी प्राइस बढ़ा दिया क्या? देखो ना मेरी बहन, काम का पैसा रहता है. और कौन सा? और ये वाला जो है सब अलग अलग अंदर देख लो. व्हाइट वायर है मटेरियल कौन सा है? कॉटन में नहीं है दुपट्टे? कॉटन दुपट्टा और इधर ब्लैक ले जाओ, बहुत चल रहा है प्लेन ब्लैक में. और अभी तो मरहबा आ गए, मैंने देखा भी नहीं कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ रेस्टोरेंट में, क्योंकि मैं
बहुत थक गई हूँ। तो पहले तो हमने क्या किया, क्रॉफर्ड में शॉपिंग की, उसके बाद क्या किया, उसके बाद नाकुदा व्हाट, हाँ फिर मेकअप लिया, फिर उसके बाद नाकुदा मोहल्ला आए, फिर वहाँ से ड्रेसेस लिए, फिर उसके बाद छोटे छोटे पैटी थिंग्स लिए, फिर बीच में नींबू पानी पिया, उसके बाद इरफान के लिए मोहम्मद अली रोड गए, वी हैव नॉट बाइड ना कुर्ता पैजामा ले, जो पसंद नहीं आया उसको एज़ यूजल बिकॉज वो बहुत पर्टिकुलर है अपने कपड़े को लेके। मीनारा मस्जिद आपको दिख रहा होगा पीछे, माशाल्लाह ये इतना ज़बरदस्त लगता है, और मीनारा मस्जिद को मैंने पहले कभी भी इतना ऊपर से नहीं देखा है। और आप देखें कि ये बस आज संडे है और अभी भीड़ स्टार्ट भी नहीं हुई है, जस्ट 6:30, अभी मगरिब के बाद जस्ट आई गेस लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, तो इतना रश है। अभी थोड़े 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ पे पैर रखने का जगह भी नहीं होगा बिकॉज़ ये वीकेंड है। तो मैंने ऑर्डर किया है गुर्दा कलेजी मसाला और रुमाली रोटी मुझे बहुत दिन से खाना था, मैं लास्ट टाइम मेरे अपने सिस्टर के साथ भी आई थी तो उस वक्त सोचा मैं खाऊंगी, बट फिर आई एंडेड अप ईटिंग सैंडविच, और ये सैलेड आ गया जो मुझे बेहद बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये वाला ये जो सैलेड है मुझे पसंद नहीं बिकॉज इस पर गोभी होती है। ये आ गया अपना, क्या है, गुर्दा कलेजी। स्पाइसी है ना, मस्त बनाया है। अच्छा टिक्का ऑर्डर नहीं किया क्योंकि एनीविच तो फ्राइड है, फ्राइड है वो। कुछ प्रोसेशन निकाला था ना नीचे, अरे गुरु गाजी का पूरा बजा रहे थे, आई थिंक मस्जिद की वजह से स्टॉप कर दिया लोगों ने, हाँ मस्जिद का टाइम। रुमाली बहुत सॉफ्ट है ना, अच्छा वो नहीं मंगाया बोला, होता भी नहीं है खाने उतना। कौन सा अच्छा है, क्या फ्लेवर है, बंद कर दो। अरे यार ये बोल के सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बैंड्रा का जो क्रिसमस ब्लॉग था उसका लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेक करें, वहाँ पे मैंने बताया है हाउ टू मेक क्रिसमस ट्रेडिशनल फ्रूट केक जो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसमें पिज़्ज़ा भी है, देन बारबेक्यू चिकन भी है जो है हनी स्टाइल में, हनी बारबेक्यू चिकन, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख के आपका मन खुश हो जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग या मेकिंग के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।